नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है UJT, जिसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इस टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं, तो इसलिए अपनी आंखों को यहीं पर रखिएगा और कानों को खुले रखिएगा और मुंह को बंद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक UJT। इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वीडियो से भाग मत जाना, ठीक है। पूरा देखेंगे तो क्या करेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ UJT उसको करेंगे, उसके साथ डेफिनेशन भी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब UJT क्या है हमारी, सॉरी BJT बोल दिया हमारी, UJT UJT का यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यूनि का मतलब क्या है, एक एक ही जंक्शन होता है इसमें, ये बात तो आप नाम से समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। थ्री टर्मिनल कैसे, इसके तीन टर्मिनल है, कौन कौन से टर्मिनल है देखिए। सबसे पहला टर्मिनल है एमीटर वाला टर्मिनल, ठीक है। फिर बेस B1, फिर B2, मतलब तीन टर्मिनल हो गए ना इसके। और इसको हम इसको क्या कहते हैं, डबल बेस UJT भी कहते हैं। डबल बेस UJT का मतलब क्या है, तो इसमें दो बेसिस है, B1 एंड B2, ठीक है। थ्री टर्मिनल डिवाइस हो गया, डबल बेस UJT हो गया, ठीक है। यूनि जंक्शन हो गया, यूनि जंक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो पी टाइप है, देखिए ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल प्लस एन टाइप मटेरियल क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन बन जाता है। पी एन जंक्शन क्या होता है, यूनि जंक्शन होता है, तो एक पी एन जंक्शन डिवाइस भी है। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको ये बीच में दिख रहे होंगे रेजिस्टेंसेस RB1 RB2 और एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तो क्या है हमारा जंक्शन का पॉइंट है इनके बीच का, ठीक है। RB1 RB2 क्या है, ये रेजिस्टेंसेस है, किसके रेजिस्टेंसेस है, बेस के। B1 मतलब बेस 1 का रेजिस्टेंस, बेस 1 का जो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो RB1 क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बेस 1 और बेस 2 क्या है RB2। तो यहां तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ UJT क्लियर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, पता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल कैसे बनाते हैं, ठीक, किसी चीज का चिन्ह सिंबल क्या होता है, सिंबल ये है हमारा, देखिए तीन टर्मिनल है, एमीटर बेस बेस, ठीक है। दो बेस है, B1 B2 और एक एमीटर, तीन टर्मिनल हो गए हमारे। ओके, ये हमारा सिंबल की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT, UJT का सर्किट क्या है। ये सर्किट दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत मुश्किल दिख रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, अभी समझते हैं इसको धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारा क्लियर हो गया, देखिए इसमें तीन टर्मिनल है, कौन कौन से, एक तो एमीटर है, एमीटर वाला टर्मिनल, अब देखिए ये बना रखा है, ये एमीटर है, ये जो एमीटर दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज RB1 RB2 RB1 RB2, ठीक है। पॉइंट ए वहां था, B1 B2 वहां था, यहाँ तक क्लियर है। इसमें ऐड क्या हुआ हमारा, एक डायोड ऐड है, ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है, इनपुट सप्लाई, यहाँ पर BBB है, बेस टू बेस वोल्टेज, ठीक है। और ये एन दिख रहा ना, इसको बोलते हैं ईटा BBB, ये भी मैं आपको सारा क्लियर करूंगा, अभी सारा क्लियर करेंगे, ठीक है, देखते जाइए यहाँ पर, ये मैंने आपको सर्किट बनाया। अब आ जाते हैं हम आगे, व्हेन अ पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, व्हेन अ पॉजिटिव वोल्टेज BBB इज अप्लाइड अक्रॉस, क्या कह रहा है, जब एक पॉजिटिव वोल्टेज जो क्या है BBB अप्लाइड अक्रॉस, किसके अक्रॉस, टू बेस टर्मिनल्स कौन से हमारे, B1 B2, दो बेस टर्मिनल कौन से हैं, B1 B2, इनके अक्रॉस जब हम पॉजिटिव सप्लाई को अप्लाई करेंगे, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आपको यहाँ भी दिखा दें, इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो हमें पता ही है, ठीक है, नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी वन A to B1 पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस को पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो A to B1 इसके रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या है, इज गिवन बाय, उस पोटेंशियल को हम कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, BAB पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज होती है, वोल्टेज एट पॉइंट A, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू B1, इसलिए हमने BAB1 लिखा है, समझ गए इतना। वो क्या है, इक्वल्स टू VBB अपॉन में RB1 प्लस में RB2 इनटू में RB1। अब ये कैसे है, देखिए जो इनका क्या होगा पोटेंशियल होगा, वो कैसे होगा, VBB, देखिए इसके अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या हमारी VBB, ठीक है, इतना समझ गए। अब जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा वो क्या है, RB1 और RB2, इसलिए हमने RB1 प्लस RB2 कर दिया है इसके डिवाइड में, और इनटू में RB1 क्यों किया है, क्योंकि हम जो पोटेंशियल ले रहे हैं वो RB1 के अक्रॉस लेना चाहते हैं, जो हमें पोटेंशियल चाहिए वो RB1 के अक्रॉस चाहिए। यहां तक हमारी क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं BAB1, ठीक है, यहां भी BAB1 है, इट इंप्लाइज में ये जो RB1 था इसको इस तरफ ले जाइए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और BBB को उस तरफ ले जाइए मल्टीप्लाई में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैथमेटिक्स की चीजें हैं छोटी सी। RB1 अपॉन में RB1 प्लस RB2 इनटू में BBB हो गया। अब अगर इसको हम आगे करें तो क्या बन जाएगा, BAB1
ठीक है सेम है इक्वल्स टू एन, एन क्या है ईटा, मैंने बताया ई टी ए ईटा इनटू में बीबीबी, ये बन गया कैसे बना बीबीबी था हमारे पास था था ईटा आ गया, ईटा किस किस आ गया आरबी वन अपॉन में आरबी वन प्लस आरबी टू, और ये क्या है ईटा इक्वल्स टू आरबी वन अपॉन में आरबी वन प्लस आरबी टू होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं इंट्रेंसिक स्टैंडिंग ऑफ रेशियो, ठीक है ईटा के क्या कहते हैं इंट्रेंसिक स्टैंडिंग ऑफ रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 0.51 से 0.82 तक होती है, ठीक है समझ गए इतना इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा अभी देखते रहिए, ठीक है कैसे क्लियर हुआ अभी मैंने समझाया आपको, मैंने पॉजिटिव वोल्टेज बीबीबी अप्लाइड अक्रॉस टू बेस टर्मिनल्स, इन दो बेस टर्मिनल पे अप्लाई करे हमने बी वन बी टू, द पोटेंशियल पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी वन, जो पोटेंशियल पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी वन इज गिवन बाय, उसको ऐसे देंगे मतलब इसका जो ये कहते हैं जैसे दिख रहा आपको ईटा, ये ईटा बीबीबी जो हम देख रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या ईटा बीबीबी, वो यहां से आया हमारा कहां गया ये रहा ईटा बीबीबी, ठीक है बी ए बी वन पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी वन पोटेंशियल आ गया है हमारा यहां तक क्लियर, ठीक अब आगे समझते हैं जो ये बीई है, ये बीई क्या है हमारा ये देखिए एमीटर वोल्टेज, एमीटर टर्मिनल है उस पे जो वोल्टेज है ये बीई है, ये क्या लेस देन का सिंबल, लेस देन ठीक है लेस देन का सिंबल है, इसको लेस देन क्या ईटा बीबीबी प्लस वीडी, मतलब वीडी क्या ईटा बीबीबी तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी पोटेंशियल है, अब ये बीडी क्या है हमारा डायोड की वोल्टेज, डायोड की कौन सी वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सी होती है जिस वोल्टेज पर आने के बाद ठीक है जो हमारा डायोड ऑपरेट करेगा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है सिलिकॉन के लिए कितनी होती है हमारी 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है, ठीक है तो वो होती है हमारी डायोड की थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उससे आगे जाने के बाद ही हमारा डायोड ऑपरेट होता है। तो जब ये बीई एमीटर वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पे इस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे, ये अगर लेस देन ईटा बीबीबी प्लस वीडी है मतलब ईटा बीबीबी जो पॉइंट ए वाला पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू बी वन इससे और जो डायोड की वोल्टेज है उससे कम है, तो क्या है हमारा जो ये क्या यूजेटी है वो कौन से रीजन में काम कर रहा है कट ऑफ रीजन में, ये जो VI characteristics of UJT है ये समझना बहुत important होता है, ठीक है तो cut off region में काम करेगा अगर ammeter voltage हमारी less than eta BBB और VD है, ठीक है और तो जो हमारा current होगा वो current क्या होगा negative होगा, जो ये AB दिख रहा है ना आपको AB, तो ये जो हमारा current होगा ये negative की तरफ होगा, ठीक है इतना आपको clear हो गया। अब आगे क्या है अगर एमीटर वोल्टेज ग्रेटर है एटा बीबीबी से और वीडी से, दोनों को प्लस कर रहे हैं इनसे ग्रेटर है मतलब जो हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आगे जा रही है, तो क्या होगा जो हमारा यूजेटी होगा ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेट करेगा तो क्या होगा जो उसका एमीटर जंक्शन है वो बेस जंक्शन है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बी वन, ठीक है एमीटर से बेस वन की तरफ हमारा जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा एमीटर क्या हमारा देखिए एमीटर वाला टर्म क्या है पी टाइप जिसमें क्या होल्स की मात्रा ज्यादा है, ठीक है और जो ये क्या है ये हमारा एन टाइप है पूरा पूरा बाकी बचा हुआ इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे बेस वन की तरफ जाएंगे इस बेस वन की तरफ जाएंगे, ठीक है जिससे क्या होगा करंट इंक्रीज होगा लेकिन एक चीज होगी उसमें क्या होगा वोल्टेज जो होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं ये क्या हुआ हमारा वोल्टेज डिक्रीज हुआ लेकिन करंट क्या बढ़ रहा है, ये जो ग्राफ है ये नीचे वाला ये क्या करंट के लिए आई एमीटर करंट, ये ऊपर वाला क्या है एमीटर वोल्टेज के लिए, तो ये जब यहाँ पर ऑपरेट हुआ हमारा एमीटर से होल है जो हमारे एमीटर से बेस की तरफ गए बी वन की तरफ जब एमीटर करंट फ्लो हुआ देखिए ऐसे एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो हुआ आई तो क्या हुआ जो हमारा वोल्टेज थी ना वो क्या ड्रॉप हो गई वोल्टेज गिर गई लेकिन करंट हमारा बढ़ता जा रहा था, वोल्टेज गिर रही थी करंट हमारा बढ़ता जा रहा था तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो उसमें क्या होता है इक्वल्स टू आई होता है, जैसे करंट बढ़ता है जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे करंट भी बढ़ता है, जैसे करंट बढ़ता है वैसे वोल्टेज रिस्पेक्टिवली होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वोल्टेज गिर रही है और करंट बढ़ता जा रहा है तो इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं जो कि ऑसिलेटर्स में काम आता है, ठीक है इसका रीजन क्या रिलायबिलिटी, इससे क्या है इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है रिलायबल बन जाता है यूजेटी, ठीक है यूजेटी इसी वर्क पर काम करता है इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पर ही काम करता है, ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं आगे, आगे क्या जब ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पे है यहां तक पहुंच गया एक पॉइंट है वैली पॉइंट, उस वैली पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर क्या होगा हमारा
जो यूजेटी है वो क्या करेगा, सैचुरेशन रीजन में जाएगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, फिर सिंपली जैसे हमारा ओम्स लॉ होता है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में क्या बोलेंगे हम, डी पॉइंट बोल देते हैं और ये पॉइंट ई। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारा सर्किट देखते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करी डायोड, जब हमने ये वाली कंडीशन थी हमारी एमीटर वोल्टेज ज़्यादा थी ईटा वीवी डायोड से, तो हमारा एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो हुआ, जिससे होल्स का फ्लो हुआ बेस की तरफ, जिससे हमारा क्या हुआ वोल्टेज ड्रॉप हुआ लेकिन करंट बढ़ता जा रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारा करंट और वोल्टेज सही से बढ़ने लगे, मतलब जैसे ओम्स लॉ में होता है। तो ये हमारा यूजेटी का कंसेप्ट था। इसमें एक चीज़ और रह गई है वो मैं बता देता हूँ, जो हमारा पी टाइप होता है ना, देखिए दो तरह से पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से बनकर हमारा पी एन जंक्शन बनता है। तो पी टाइप में क्या होगा, ये हैवीली डोप्ड होगा और जो एन टाइप होगा वो लाइटली डोप्ड होगा। इसीलिए हमारा करंट एकदम से इंक्रीज हुआ जब एमीटर से बेस की तरफ गया, तो इसलिए हमारा करंट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो आर भी बन था उसका रेजिस्टेंस गिर गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ करंट इंक्रीज हुआ लेकिन हमारी वोल्टेज गिर गई। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो गया है सैचुरेशन रीजन। आगे क्या होगा, जहाँ पर हमारी ऑन कंडीशन में जैसे हमारे करंट बढ़ रहा है वैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है उसमें क्या वोल्टेज गिर रही है लेकिन करंट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये हमारा क्लियर। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, वीपी। वीपी क्या है, हमारा पीक पॉइंट हो गया। पीक पॉइंट क्या है, वही जो मैंने बताया आपको, यहाँ इस पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद हमारा ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ इस पॉइंट तक हमारा ऑपरेट नहीं करता है। और ये वीवी क्या है, वैल्यू पॉइंट, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो वैल्यू वोल्टेज होगी और जो करंट होगा वो वैल्यू करंट होगा। ठीक है, और ठीक है यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा, ये सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यूजेटी आपका क्लियर हो चुका है, तो क्या करें, पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप उनको शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, और हम अभी क्लियर नहीं हुआ पूरा पूरा, इसके एप्लीकेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर करेंगे आज टॉपिक को। तो हम यूजेटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है उसकी, कहाँ का यूज होता है यूजेटी का। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस कैसे, मतलब कोई डिवाइस है उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम यूजेटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर एससीआर ट्रैक डायक। तो जो एससीआर हमारा फोर लेयर पीएनपीएन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसके लिए ट्रैक डायक, इन सब की ट्रिगरिंग क्या, ट्रिगरिंग क्या होता है, इनको चलाने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करनी होती है उसके लिए हम यूजेटी का यूज करते हैं। ठीक है, टाइमिंग सर्किट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फेज कंट्रोल, फेज होता है एंगल, एंगल कंट्रोलेशन के लिए करते हैं। इन सॉटूथ वेव जनरेटर, सॉटूथ वेव जनरेटर पता है ना आपको, ऐसी होती है, देखिए ऐसे, इनको जनरेट करने के लिए भी हम यूजेटी का यूज करते हैं। ठीक है, इन सिंपल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो आगे हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे, यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी एक टॉपिक है, उसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इन सिंपल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको उससे आपको सारा कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर क्या एडवांटेज आ जाते हैं, एप्लीकेशन हो गई, कहाँ यूज होता है एडवांटेज, क्या इसकी महत्वता है, क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, लो कॉस्ट है इसका, कम कॉस्ट है, कम कीमत पर। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस जिसमें क्या है वोल्टेज हमारी डिक्रीज हो रही थी लेकिन करंट हमारा बढ़ता चला जा रहा था, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक था, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी पर वर्क करता है। ठीक है, उससे इसकी क्या होती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, विश्वसनीयता हिंदी में बोले तो। ठीक है, फिर क्या, रिक्वायरिंग लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करंट, तो क्या है इसको चलाने के लिए, मतलब ये अगर चलाएगा तो क्या इसको लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करंट की जरूरत है। ठीक है, बहुत कम करंट की जरूरत है इसको। फिर आते हैं अस्टेबल ट्रिगरिंग वोल्टेज। ठीक है, तो जो ये प्रोवाइड करता है, ये ट्रिगर करता है, जैसे मैंने बोला एससीआर को, ट्रैक को, डायोड को ट्रिगर, किसी को ट्रिगर करेगा, किसी को ऑन करेगा, तो एक स्टेबल ट्रिगर वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है, तो इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज। लो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, तो जो हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या है, पावर एब्जॉर्बिंग होती है। ठीक है, वो पावर लॉस हो जाता है, तो वो इसमें लॉस नहीं होता, लो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज हो गए, क्लियर हो गए आपको। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में एक मेनली डिसएडवांटेज आता है इसका, तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजेटी इज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन। बस ये एक एम्पलीफिकेशन थोड़ी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, एम्पलीफिकेशन समझते ही, आप नहीं समझते तो पहले लेक्चर में बहुत बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ओके, और इस वीडियो को अगर आप, मैंने जितना भी बताया ना, वैसे तो बहुत डिटेल में बताया, और भी डिटेल में अगर एक एक लाइन से
जो भी बताया उसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 100 लाइक्स दीजिए, मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में 100 लाइक के बाद। ओके ओके, अगेन अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।